नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं एडीपीओ का 2024 के सिलेबस के बारे में। इसी के साथ हम अन्य क्वेश्चनों को देखेंगे, जैसे पेपर कौन दे सकता है। पेपर कौन दे सकता है? जिसने लॉ की डिग्री कर ली हो, जिसने लॉ की डिग्री कर ली हो, उसमें आपकी BA LLB हो या फिर आपकी LLB हो, लेकिन आपने लॉ की डिग्री कर ली हो तो आप पेपर दे सकते हैं। मध्य प्रदेश में जो आपका बार काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन है वो आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर हो तो उससे बेनिफिट मिलता है। तो यही आपकी योग्यता रही। आयु सीमा क्या रहती है? आयु सीमा इसमें 21 से 35 वर्ष रहती है। प्लस आपको जो डिस्काउंट, जो छूट मिलती है वो अलग से होती है। ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे द मॉरल एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें हम लॉ और इंग्लिश से संबंधित क्लास लाते रहते हैं, क्योंकि लॉ में इंग्लिश अति आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या होगा? पेपर के सिलेबस कैसा होता है? पेपर का सिलेबस कैसा होता है? सिलेबस के बारे में हम संपूर्ण जानकारी देखेंगे थोड़ी देर बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो सकता है, सिलेबस कब चेंज हुआ था? तो आपका सिलेबस पिछली जो विज्ञप्ति आई थी 2020 में आई थी, और पेपर आपका 2021 में हुआ था। तो विज्ञप्ति के बाद ही आपका 2021 में सिलेबस चेंज हुआ था, तो अब सिलेबस चेंज नहीं होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, अब सिलेबस कब चेंज होगा? तो अब सिलेबस आपका चेंज नहीं होगा। कितने नंबर का पेपर होता है? पेपर आपका 500 नंबर का होता है। 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर दिए जाता है, 450 आपके हो गए। 50 नंबर का साक्षात्कार होता है, तो पेपर 500 नंबर का होता है। पिछली बार पेपर कब हुआ था? पिछली बार पेपर आपका 2020 में विज्ञप्ति आई थी और 21 में आपका पेपर हुआ था। पिछली बार वैकेंसी कब आई थी? पेपर कब हुआ था? वैकेंसी कब आई थी? तो 20 में आपकी वैकेंसी आई थी, 21 में पेपर हुआ था। अब वैकेंसी कब आएंगी? अब वैकेंसी आपकी 2024 के लास्ट तक आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसके बाद साक्षात्कार कितने नंबर का होता है? तो साक्षात्कार आपका 50 नंबर का होता है, और न्यूनतम अंक इसमें निर्धारित नहीं किए गए हैं कि कम से कम कितने अंक मिलेंगे आप। नेक्स्ट, मेंस होता है कि नहीं होता है? तो मध्य प्रदेश में अभी मेंस नहीं लिया जाता है, सीधा आपकी चयन परीक्षा पेपर होता है और इसके बाद आपका साक्षात्कार होता है। दो भागों में ही डिवाइड है। फीस कितनी लगती है? फीस आपकी जनरल के लिए 1,000 रुपये, और जिनके लिए छूट है उनके लिए 500 प्लस GST लगती है। पेपर इसका कौन कराता है? तो पेपर इसका PSC इसका पेपर कराती है, PSC इसका पेपर लेती है। तो इन्हीं सवालों के साथ अब हम चलते हैं सिलेबस पर। तो हमने आपको बताया सिलेबस आपका 2021 में चेंज हुआ था, अब आपका सिलेबस 21 में चेंज नहीं होगा, क्योंकि पहले इसमें 28 विषय थे। जब पहले आपकी विज्ञप्ति आई थी तो इसमें 28 विषय थे, इसके बाद 6 विषय कम कर दिए गए और इसमें 10 विषय बढ़ा दिए गए। पूरे आपके 32 विषय हो गए थे। कितने विषय हो गए थे? 32 विषय, जो आपकी यूनिट है, यूनिट 1 से लेके 10 में डिवाइड रहती है। आगे देखते हैं, पिछली बार आपको क्या क्या पूछा गया था, इस बार भी आपका वही पूछा जाएगा, क्योंकि पिछली बार सिलेबस चेंज हुआ तो अब सिलेबस चेंज नहीं होगा। सबसे पहले भारत का संविधान, भारत का संविधान जो आपके नीले कलर में है, ये आपके विषय बाद में बढ़ाए गए थे, और जो आपके लाल कलर से विषय लिखे हैं ये आपके पहले से थे। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, 2020 में आपकी वैकेंसी आई, तो आपके 2021 में पेपर हुआ था, लेकिन वैकेंसी के बाद सिलेबस चेंज कर दिया गया था। जो वैकेंसी में सिलेबस दिए गए थे उनके अलावा 21 में पेपर हुआ, पेपर होने से पहले चेंज कर दिया था, तो अब आपका 2024 में सिलेबस चेंज नहीं होगा। सबसे पहले भारत का संविधान, भारतीय दंड संहिता, अब ये आपकी नई संहिता पूछी जाएगी, 1860 नहीं पूछी जाएगी। अपराध परिवीक्षा अधिनियम 1968 यूनिट 2 में देखते हैं, यूनिट 2 में दंड प्रक्रिया संहिता, ये भी आपकी अब नई पूछी जाएगी, जो 2023 आई है उसके बारे में पूछा जाएगा। नेक्स्ट, मोटरयान अधिनियम 1988, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 आपका आएगा यूनिट 3 में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम अब आपका 1872 ना पूछ के, जो आपकी नई है 2023 पूछी जाएगी। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 पूछा जाएगा। आयुक्त अधिनियम
1959 पूछा जाएगा। यूनिट फोर में देखते हैं, यूनिट फोर में आपका कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पूछा जाएगा। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 हमने आपको बताया, जो नीले कलर से लिखे हैं ये सिलेबस चेंज होने के बाद विषय बढ़े थे, जो लाल कलर से ये पहले से सिलेबस में थे। लोक संपत्ति को नुकसानी का निवारण अधिनियम 1984 यूनिट 5 में, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, विस्फोटक अधिनियम 1884 के साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 पूछा गया था, यही आपके सिलेबस में आएगा। यूनिट 6 में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, इसी के साथ आपकी वर और वधु को उपहारों की सूची अधिनियम 1985, तो इसके साथ वर वधु की उपहारों की सूची 1985 नियम भी पूछा जाएगा, इससे भी प्रश्न आपके आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1984 से भी प्रश्न आएंगे। यूनिट 7 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 RTI से प्रश्न आते हैं। स्वापक औषधि एवं मना प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 NDPS से भी प्रश्न आपके आते हैं, ये भी सिलेबस में रहता है। गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीकी लिंग चयन का परीक्षण अधिनियम 1994 भी आपका सिलेबस में है। यूनिट 8 देखते हैं, यूनिट 8 में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, इसी के साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के साथ ही नियंत्रण जमा योजना पाबंदी अधिनियम 2019 आपके सिलेबस में रहता है और इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। यूनिट 9 देखते हैं, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के साथ ही किशोर न्याय बच्चों की देख रेख एवं संरक्षण अधिनियम 2005 भी आपके सिलेबस में इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के साथ ही देखते हैं। यूनिट 10 आपकी मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1905, मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990, मध्य प्रदेश लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के साथ ही मध्य प्रदेश गौवंश प्रतिषेध निषेध अधिनियम 2004 और मध्य प्रदेश न्याय अधिनियम 2011 से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। आपके प्रश्न के लिए ये आपके एक्ट संहिता दी गई है, जो आपके पुराने सिलेबस में थे तो जो चेंज हो गए थे उन्हें भी हम थोड़ा देख लेते हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, इसे इन सभी एक्टों को अलग कर दिया गया था, इसके स्थान पे 10 आपके नए एक्ट आए थे, हमने आपको बताया, ऊपर नीले कलर से दिए गए हैं। अनैतिक व्यापार नियंत्रण अधिनियम 1956 के साथ ही राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1967, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, मध्य प्रदेश अत्याचार सेवा एवं विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1989। तो ये आपके हमने बताया पेपर सिलेबस से अलग करके 10 आपके नए एक्ट थे, 10 नए एक्ट जो आपके नीले कलर से हैं वो है आपके नए एक्ट आए थे, तो आप सिलेबस चेंज नहीं होगा, लास्ट 2024 तक आपको विज्ञप्ति देखने को मिलेगी। ADPO की विज्ञप्ति आपको कब मिलेगी? लास्ट 2024 तक मिलेगी। आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें, ऐसा ना करें कि विज्ञप्ति आए उसके बाद आप तैयारी शुरू करें, फिर आपको पेपर क्वालिफाई करने में प्रॉब्लम आएगी। तो वीडियो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।